what the लंबी लिस्ट लिस्ट है 1869 तक है। रेस्ट गेस्टा जी, जब कोई वाकया हुआ हम उसी वक्त पहुंचे, एक एक्सीडेंट हुआ रोड पर, जख्मी को उठा के कुछ लोग ले गए हॉस्पिटल या पुलिस ले गई, वहाँ पर उसकी गाड़ी जो है टूटी हुई वो भी खड़ी है, रोड पे खून भी पड़ा हुआ है। अब एक आदमी आया वहाँ पे, उसने लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि जी ये अभी एक्सीडेंट हुआ था, इधर से गाड़ी आ रही थी, ऐसे इस गाड़ी ने टक्कर मारी है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसने देखा नहीं है, ये हेयर से है, ये हेयर से है, लेकिन लॉ ने इसको अलाउ किया है कि ये प्रोड्यूस की जा सकती है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, मोटिव है, मोटिव ये भी एक बुनियादी चीज़ रखती है, हैसियत रखती है कि मोटिव क्या था, ये जो है ये रिलेवेंसी है इसकी, ये रिलेवेंट एविडेंस है। प्रिपरेशन, अक्यूज की तैयारी का, कोई साजिश करनी है, बैठ के कोई गुफ्तगू की है कहीं पे, कोई छुरी खरीदी है किसी से, किसी से जहर खरीदा है, कहीं से अनलाइसेंस पिस्टल हासिल किया है, ये प्रिपरेशन है उसकी, ये रिलेवेंट है एविडेंस है। कंडक्ट उसका आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप, ये सब रिलेवेंसी में आते हैं। आइडेंटिटी ब्रेन जो थी वो एलिबाय, मैं मौजूद ही नहीं था इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, एलिबाय आई वॉज नॉट देयर। कॉन्स्पिरेसी की एविडेंस, साजिश होती बड़ी मुश्किल है साबित करना, लेकिन बैर कर राइट्स एंड कस्टम्स, हमारी हमारे रस्म और रवाज हैं, ये चीज हमारे रस्म में है, तो रस्म इस्टेब्लिश की जा सकती है, लेकिन वो रस्म रवाज लीगल होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए, कारोकारी रस्म रवाज नहीं है। सिमिलर फैक्ट एविडेंस, एडमिशन, कन्फेशन, टाइम डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जैसे डॉक्यूमेंट लॉस हो गया है उसके मुताबिक दवाई, रिलेवेंट जजमेंट अगर उससे मुतालिक हैं तो भी, ये अमूमन कोर्ट में विटनेस पर प्रोड्यूस ही करते हैं, ये खुला प्रोड्यूस करते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन, कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर एविडेंस ऑफ पार्टीज, सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में अक्यूज का कैरेक्टर जो है वो रिलेवेंट नहीं है, अक्यूज का कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं है, अक्यूज पाजी है, बदमाश है, हुआ करे, लेकिन अगर अक्यूज ओथ पर आके ये कहता है कि मैं हाजी हूँ, मैं नेक हूँ, अब उसका कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाएगा। वैसे अक्यूज का कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर उसने आके कोर्ट में ये कहा कि मैं तो सबसे अच्छा, सबसे नेक, सबसे ईमानदार, सबसे शरीफ आदमी हूँ, अब उसके कैरेक्टर को प्रोसिक्यूशन डेंट डालने की कोशिश कर सकती है क्रॉस में, जो उसको मौका दिया जाता है। गोल्डन रूल्स क्या है? ऑनली रिलेवेंट एविडेंस शुड बी एडमिटेड, पहली बुनियाद पर, बेस्ट एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस प्रेजेंटेड, ओरल एविडेंस शुड बी डायरेक्ट एंड पॉजिटिव, ये गोल्डन रूल है। इसका ये मतलब नहीं कि इनडायरेक्ट एविडेंस ओरल जो है एडमिसेबल नहीं है, जहां तक मुमकिन हो डायरेक्ट और पॉजिटिव। पॉजिटिव एविडेंस क्या होनी चाहिए? मुझे पता है या मुझे पता है कि ऐसा नहीं हुआ। हेयर से एविडेंस मे बी एडमिसेबल इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, वो क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन, हेयर से एविडेंस है, या फिर हेयर से एविडेंस है, एक और भी डिस्कस की। सेकेंडरी एविडेंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट व्हेन प्राइमरी एविडेंस इज अवेलेबल, ये बेस्ट एविडेंस रूल है एविडेंस।
सेकेंडरी एविडेंस नहीं प्रोड्यूस की जाएगी अगर प्राइमरी मौजूद है। कब इन अप्लीकेबल होगा ये रूल? जब प्राइमरी एविडेंस लॉस्ट हो गई, डॉक्यूमेंट जाया हो गया, ओरिजिनल अदर साइड की कस्टडी में, व्हेन द ओरिजिनल इज पब्लिक रिकॉर्ड। पब्लिक रिकॉर्ड अगर है तो पब्लिक रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं लाया जाता, उसके सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी लाई जाती है। सर्टिफाइड कॉपी जो है वो है तो सेकेंडरी एविडेंस, लेकिन ये लॉ ने एडमिसिबल किए पब्लिक रिकॉर्ड की, पूरा पब्लिक का पूरा रजिस्टर उठा के लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी। Preference of documentary evidence over oral evidence and exclusion of data in presence of the former. ये 102 से 110 का इसके ऊपर डिस्कशन है। प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस प्रेफरेंस है बेस्ट एविडेंस का, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट थ्रू सर्टिफाइड कॉपी। एक प्रेजम्पशन ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो किसी सरकारी अफसर ने प्रिपेयर किया है, सरकारी ऑफिस में रखा गया है, वो प्रिजम्पशन है कि वो सही है। अब ये प्रिजम्पशन जो है ये रिबटेबल है, रिबटेबल के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ये हियर से रूल क्या है, एन इंडिविजुअल में ऑनली टेस्टिफाई ऑन मैटर बेस्ड ऑन हिज और हर पर्सनल नॉलेज, जो उसकी नॉलेज में है वही बता सकता है, किसी से सुनी सुनाई बात नहीं। Thus he can only just attest to things that he has actually saw, smelled, heard, tasted, touched वगैरह वगैरह। अच्छा क्यों इनएडमिसिबल है? ये बेस्ट एविडेंस नहीं, पहली बात तो ये हियर से जो है बेस्ट एविडेंस नहीं है, बेस्ट एविडेंस ही प्रोड्यूस की है, ये डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस ही अलाउड है। अच्छा ये प्रिसाइज भी नहीं होती है, परसीवेबल भी अक्सर नहीं होती, प्रिसाइज भी नहीं है परसीवेबल इस हवाले से कि जब विटनेस कोर्ट में खड़े होकर बोल रहा होता है डायरेक्ट एविडेंस, तो सिर्फ उसके अल्फाज नहीं सुने जा रहे होते, उसका डिमेनर भी देखा जा रहा होता है, उसका अंदाज कैसे बात कर रहा है क्या है, इसको भी कोर्टें ऑब्जर्व करती हैं, और बाद औकात अगर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस समझी जाए तो उसको रिकॉर्ड भी करती हैं। फिर वो बंदा जो जिसके मुतालिक बात की जा रही है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुतालिक भी, कि उसने बात को सही समझा भी था नहीं, कि जी मैंने फला से सुना है, उस फला ने जो है क्या सुना था और कैसे समझा था, ये इसको भी समझना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हेयर से एविडेंस इन एडमिसिबल कानून में करिए। थैंक यू। अब एक्सेप्शन क्या है हेयर से की, जैसे मैंने बताया कभी भी वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन एंड कन्फेशन इफ इट इज एस्टैब्लिश दैट द सेम वाज वॉलंटरी। एक्स्ट्रा जुडिशियल अमूमन नहीं माना जाता, लेकिन ये पहले इस्टेब्लिश कर दिया जाए कि ये वॉलेंटरी था तो फिर शायद। प्लान डिक्लेरेशन एंड अदर सिमिलर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मेड बिफोर अनदर कोर्ट इन सर्टेन केसेस, वो भी स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस 48 से 51 में अमृत कर दिया गया है, अमन कारोबारी मामला में होता है। प्रिजम्पशन काफी बात हो गई है प्रिजम्पशन पर, इट इज एन आइडिया टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के ये दुरुस्त भी है या नहीं है, ये प्रिजम्पशन ये है। The acceptance of something as the as true, although it is not known for certain, presumption of innocence.
ये लॉ ने कह दिया है कि ये अक्यूज जो है वो इनोसेंट, सर्टेन तो नहीं है लेकिन लॉ ने कहा है, तो अक्यूज जब तक कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगा तब तक वो इनोसेंट ही समझा जाएगा, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी के साबित करे कि ये इनोसेंट नहीं है। मैंने कहा कि अगर उसने अपना मुंह खोला, मुंह खोलने से हमरा दिया कि ओथ पर अगर उसने अपना स्टेटमेंट दिया अपने डिफेंस में, फिर उसके लिए फिर वो मर्सीलेस क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाए। यही वजह है कि अक्सर जब ट्रायल के वकला जो है ये समझते हैं कि उनका केस जो है एस्टेब्लिश हो चुका है इनोसेंस का, तो वो अक्यूज का स्टेटमेंट ओथ पर नहीं कराते। बिहेवियर ये भी इससे भी प्रिजम्पशन लिया जाता है, पास कंडेम भी बात करते हैं, रेबिटेबल एंड इररेबिटेबल प्रिजम्पशन। द प्रिजम्पशन विच शिफ्ट द बर्डन टू द अदर साइड, ये रेबिटेबल प्रिजम्पशन है। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया, प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है, सही है, सर्टिफाइड कॉपी किसी रिकॉर्ड ऑफ राइट की प्रिज्यूम किया जाएगा कि सही है, लेकिन अदर साइड जो है वो ये रिबट कर सकती है कि ये तो जाली है, ये बनाया गया है, ये अंडर ड्यूरेंस साइन कराया गया, वट एवर जो भी प्ली हो, ये इसको रिबट कर सकते हैं, रिबटेबल के प्रिजम्पशन है ये। वो प्रिजम्पशन जिसको कंट्रोवर्ट करने के अलाउ नहीं है लॉ ने, जिसे लॉ ने कंट्रोवर्ट करना की परमिशन नहीं दी है, वो इररिबटेबल प्रिजम्पशन कहलाती है। और उसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल था, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन, आर्टिकल 128 ऑफ कानून शहादत। अगर दो अफराद एक मर्द और एक औरत के दरमियान शादी के 6 महीने बाद कोई बच्चा पैदा होता है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो बच्चा उसी कपल का है, इसको रिबट करने की इजाजत नहीं है किसी और को बच्चे के बाप के अलावा, और बाप के लिए भी टाइम पीरियड है। और ऐसे ही आर्टिकल 128 कहता है, 128 कानून शहादत का, के शादी ख़त्म होने या शौहर के इंतकाल के 2 साल के अंदर भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी अपने बाप की जायज़ औलाद तसव्वुर किया जाएगा। ये 128 की कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है लफ्ज़ में इस्तेमाल होता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, सर्टेन प्रिजम्पशन जो लॉ ने अलाउ किए हैं, अक्यूज इज इनोसेंट, द ड्यूटी परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड इज जेन्युइन, ये वो प्रिजम्पशन है जो कि लॉ ने दी। और अंडर द लॉ ऑल दीज प्रिजम्पशन आर रिबटेबल, इनको रिबट किया जा सकता है, सिर्फ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन जो है वो रिबटेबल नहीं है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स जो है ये रिबटेबल है, प्रिजम्पशन ऑफ अ लॉ रिबटेबल है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ विच इज कंक्लूसिव वो रिबटेबल है, आर्टिकल 55, 128। बर्डन ऑफ प्रूफ, जो पार्टी केस अपना दावा पेश कर रही है उसी के ऊपर बर्डन है, जो बात अपनी कह रहे हैं, प्लेंटिफ ने एक बात की, प्लेंटिफ को साबित करना है, अलबत्ता डिफेंडेंट ने भी कोई क्लेम कर दिया तो वो क्लेम उसको साबित करना है, जिसने जो क्लेम किया है वो उसे साबित करना। लीगली बर्डन ऑफ प्रूफ रिमेन ऑन द प्लेंटिफ और द प्रोसिक्यूशन।
कानूनी तौर से प्लेंटी फॉर प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ है, कहा वक्त के वो शिफ्ट ना हो जाए। एविडेंशियल बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन इश्यू एज वेल एज स्टेट ऑफ एड्यूस एविडेंस इन अ केस। केस के दौरान में शिफ्ट भी हो सकता है बर्डन। मसलन अभी जैसे बात है, रिबटेबल प्रेजम्पशन आ गई तो उसके अंदर जो है बर्डन अब रिबट करना है तो दूसरी तरफ जाएगा। या अक्यूज ने ओथ पर यह कहा कि मैं शरीफ आदमी हूं, तो अब इसको रिबट किया जा सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन वन हु इज डिजायरस ऑफ हैविंग अ डिसीजन बाय कोर्ट एंड लाइकली टू फेल इफ नो एविडेंस इज प्रोड्यूस्ड। जो अपने हक में फैसला चाहता है उसी के ऊपर बर्डन है। ऑन द पार्टी हु आर्ग्यूज अ पर्टिकुलर फैक्ट और एन एक्सेप्शन और स्पेशल नॉलेज ऑफ फैक्ट, जो पर्टिकुलर फैक्ट आर्ग्यू करता है ये मामला इस तरह नहीं इस तरह हुआ था, तो फिर उसके ऊपर वो बर्डन उधर शिफ्ट भी होता है प्रोड्यूस करता है। एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन रिलेवेंट फैक्ट्स ऑन आर्टिकल 133 है, रिलेवेंट फैक्ट्स हैं उसी पर एग्जामिनेशन होना है। क्रॉस एग्जामिनेशन में रिलेवेंट रिलेवेंसी से बाहर नहीं निकलना। कोर्टें आमन टोकती रहती हैं कि ये रिलेवेंट है रिलेवेंट नहीं है, ये फिर वकील साहब कहते हैं कि नहीं इस ये तो नहीं, इससे अगला सवाल जो है ना उससे पता चलेगा कि ये रिलेवेंट है, फिर उससे अगला। लेकिन एक बात मैं बताऊं, कितनी भी कोशिश कर ले वकील, कितनी कोशिश कर ले जज, कितनी कोशिश कर ले, इररिलेवेंट चीज एविडेंस में आ जाती है। लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में किए जा सकते, एग्जामिनेशन इन चीफ में तो नहीं हो सकते, क्रॉस एग्जामिनेशन में लीड करना चाहे कोई करे। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चन में आपको एक और बात बताऊं कि कोर्ट की इजाजत से लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में भी हो सकता है। कब होता है अमूमन ऐसा, क्या बता सकते हैं? कोर्ट की इजाजत से जब एक मासूम बच्चा विटनेस के तौर से पेश किया जा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को उसके कोर्ट ने जज कर लिया, अब ऐसी सूरत में मुद्दा को बात को मुकम्मल तौर से वाजे करने के लिए लीडिंग क्वेश्चन करने की इजाज़त कोर्ट से ली जा सकती है, मगर लीडिंग क्वेश्चन डायरेक्टली बगैर परमिशन ऑफ कोर्ट के नहीं पेश किया जा सकता, इजाज़त ली जा सकती है। और ऐसे विटनेस के सामने अमूमन लीडिंग क्वेश्चन की इजाज़त दे दी जाती है। Hostile witness may have to face cross-examination type question by party bringing it to the court. अच्छा देखें, hostile witness वो होता है जो पेश तो एक पार्टी ने किया। एक बात ध्यान में रखिएगा, आमतौर से लोग समझते हैं hostile witness झूठा होता है, झूठा नहीं होता, जरूरी नहीं कि वो झूठा हो, पेश एक पार्टी ने किया लेकिन वो जिस पार्टी ने पेश किया उसके इंटरेस्ट के खिलाफ गवाही देने लगा, या कुछ गवाही उसने उसके इंटरेस्ट के खिलाफ दे दी। अब इस मौके पे जिस पार्टी ने पेश किया है उसका वकील उसकी सारी एविडेंस को इवेलुएट करेगा जो कोर्ट में रिकॉर्ड हुई है, और फिर वो डिसाइड करेगा कि इसे हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए। बाद औकात वकला जो है हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं करते उस विटनेस को, क्योंकि उनको अंदाजा होता है कि उसने जो बात की है उसे कहीं ना कहीं क्योर कर लिया गया है। तो हॉस्टाइल विटनेस अगर कोई ऐसी बात कहे जो जिस पार्टी ने प्रोड्यूस किया है उसके खिलाफ हो, तो हॉस्टाइल मतलब तो मुखालिफ, झूठा नहीं होता। अब उससे जो है क्रॉस एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, एक भरपूर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा,
वो क्रॉस एग्जामिनेशन लिमिटेड टू दैट पोर्शन ही होता है, वो इसीलिए मैंने लिखा है क्रॉस एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। वो जो जो पोर्शन उसने दिया है उस पार्टी के खिलाफ, उसके मुताबिक कोई वजाहत कोई चीज जो है वो पूछ सकते। अब ये मॉडल क्वेश्चन आ गए हैं जो कि आपके, अच्छा मैं बात बता दूं, ये 50 क्वेश्चन हैं, ये नहीं कि यही आएंगे, ये बात ध्यान में रखें, ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब विच लेजिस्लेशन गवर्न द लॉ ऑफ एविडेंस इन पाकिस्तान, कानून शहादत ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पिनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह वगैरह, इनमें से जो सही जवाब है वो आपने लिखना है। ऐसे टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो मैंने ड्राफ्ट किए हैं और कानून शहादत से ऐसे 500 क्वेश्चन में मजीद ड्राफ्ट कर सकता हूँ। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं हो सकते, ये सिर्फ मॉडल है कि ऐसे सवाल आते होंगे, 20 नंबर का आएगा, ये ऐसे सवाल होंगे जो इसको आपकी स्लाइड पर हैं, ये सारे पढ़ के सुनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने इसलिए कहा था कि ये स्लाइड जो है ना ये अपने उसमें शेयर कर देंगे तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हैं, कानूनी शहादत को एक बार नज़र से गुजार लें, ग्रास्प कर लें उसको, बिस्मिल्लाह करके एग्जाम में अपियर हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Thank you. Thank you.